हरिभंगा बॉर्डर पे आपका हार्दिक स्वागत है। अटारी वाघा बॉर्डर पे आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया पानी का बोतल ले, कुरकुरे, पॉपकॉर्न, मैंगो जूस स्टेडियम लेकर जाएं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कितनी भीड़ है, यहाँ पे क्या, ये है लेडीज लाइन अंदर अटारी बॉर्डर पे जाने के लिए। और अभी क्या है, परेड का टाइम होने वाला है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन लगी है इनको अंदर भेजने के लिए। यहाँ चेकिंग होती है और यहाँ पे इस तरफ है जेंट्स काउंटर, यहाँ से जेंट्स को जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट जेडी आज आपको लेके आया हूँ चंडीगढ़ से लगभग 220 किलोमीटर दूर अमृतसर। और जो ये जगह है, ये है अटारी बॉर्डर, अमृतसर से लगभग 32 किलोमीटर की दूर। मेरे पीछे देखिए, ये है अटारी बॉर्डर। और यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पीछे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, पूरी चेकिंग की जाती है, चेकिंग के साथ आपको आगे भेजा जाता है। ये इस तरफ है जो मेरे बैक साइड है, ये तो है लेडीज काउंटर, और उस तरफ है जेंट्स काउंटर। यहाँ पे देखिए, पूरे जो हमारे सैनिक हैं वो तैनात खड़े हैं। आगे उस तरफ जाएंगे, अभी 5:30 बजे जो परेड है वो शुरू होने वाली है, तो आपको वो दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये है स्वर्ण जयंती द्वार, और नीचे थोड़ा सा दिख रहा होगा वो उस तरफ है पाकिस्तान बॉर्डर। ये बीच में ये गेट है। ये देखिए भीड़ कितनी है यहाँ पे।
मिलाते हुए आपस में। इस तरफ है पाकिस्तान बॉर्डर, वो देखिए वो दिख रहा होगा आपको, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। दर्शक ध्यान दे, पास सीरियल नंबर 93, पास सीरियल नंबर 93 मिस्टर वही देख रहे हैं दोस्तों, चलेंगे आगे। ये देखिए भीड़ देखिए कितनी है, स्टेडियम के ऊपर खड़े हैं उन सभी दर्शकों से निवेदन किया जा रहा है कि कृपया जल्द से जल्द स्टेडियम से नीचे आ जाए। तो फाइनली दोस्तों हमने जो यहाँ पे परेड सेरेमनी हुई थी वो हमने दिखा दी है। ये क्या है, ये अटारी बॉर्डर है, यहाँ पे क्या है एक खेमकरण है, एक फाजिलका है और फिर ये अटारी बॉर्डर आता है। अटारी बॉर्डर पे क्या होता है, यहाँ पे परेड सेरेमनी होती है और ये सिर्फ एक अकेला एक ऐसा बॉर्डर है जो कि सड़क मार्ग से अमृतसर से लाहौर आप सड़क मार्ग से जा सकते हो। और यही एक बॉर्डर पे जो हर साल 14 अगस्त की मध्य रात्रि और 15 अगस्त की मॉर्निंग जब भारत स्वतंत्र हुआ था यहाँ पे जागरण किया जाता है और उस जागरण में इन गेटों को खोल दिया जाता है जिससे पाकिस्तानी नागरिक और हिंदुस्तानी नागरिक आपस में मिल सके। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, कटेली तार, पूरे साल आपको कटेली तार और गेट देखने को मिलेगा। और ये जो है हमेशा जो ये परेड सेरेमनी होती है ये 5:30 बजे शुरू होती है, डेली होती है दोस्तों। अगर आप अमृतसर आ रहे हो और अमृतसर का प्लान बना रहे हो घूमने का तो उसमें बाघा बॉर्डर की जो ये परेड है, परेड सेरेमनी है, इसको ऐड करना ना भूलिए दोस्तों। यहाँ पे आगे एक अपने आप में ही एक जोश बढ़ जाता है, अपने आप में एक देशभक्ति का जोश उभर के आता है। आपको मैंने पूरी परेड दिखा दी है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलो अभी चलते हैं, आपको आगे दिखा एक मोबाइल फोन गुम हो गया है, जिस किसी भी दर्शक को मिले फिर मैं नासिकपुर के पास लाने का कष्ट सड़क मार्ग है ये आगे पाकिस्तान तक जाता है और यहाँ से पाकिस्तान है लगभग, पाकिस्तान का जो एक प्रमुख शहर है लाहौर यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी पे है। तो अटारी बॉर्डर पे जब हम परेड देख के निकले दोस्तों तो हमें यहाँ पे एक फैमिली मिली है, तो आपको एक बार मिलवाता हूँ। हेलो सर, कैसे हो? तो आप लोग सारे एक फैमिली हो, कहाँ से आए हो आप लोग? स्पेशल अमृतसर देखने और उसके बाद ये अटारी बॉर्डर। क्या हम लोग दिल्ली में काम करता है? दिल्ली में काम करते हो, तो यहाँ पे आप क्या स्पेशल ये देखने आए? कुछ देख नहीं रहा। तो कैसा रहा सर? बढ़िया रहा। तो फाइनली दोस्तों हमने आपको अटारी बॉर्डर पर जो ये परेड सेरेमनी होती है ये दिखा दी है। तो आज का ये परेड का और जो अटारी बॉर्डर का व्लॉग है इस व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे JT व्लॉग्स का। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।